हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंट टू हार्ट। आज बनाएंगे हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक। केक सबका फेवरेट होता है और उसमें भी अगर चॉकलेट केक हो तो फिर क्या बात है। तो ऐसी स्पॉन्जी और सॉफ्ट चॉकलेट केक आज हम बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से। तो वीडियो पूरा देखें, देखने के बाद अगर हिंट टू हार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई रेसिपीज आपको मिलती रहे। पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करने से हर नोटिफिकेशन मिलती है जब नया वीडियो अपलोड होता है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही लिया है, करीब 4 चम्मच जितना। और दही चाहिए हमें नॉर्मल, खट्टा दही नहीं चाहिए। इसको एक बाउल में ले लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैं 2 कप जो है मैदा ले रही हूँ, तो इसके सामने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच का 1/8 भाग बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये थोड़ा सा फ्लॉफी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर है वो बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप सनफ्लावर ऑयल। यहाँ पर मैं बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऑयल सनफ्लावर ही ले ताकि इसमें कोई अपनी खुशबू नहीं होती और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है ऑयल के साथ जब केक बनाते हो। ये 1 कप पाउडर शुगर ऐड कर दी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो शुगर है शक्कर है अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप मैदा। ये अगर वजन से देखिए तो अब 200 ग्राम है। मैंने 1 कप का माप ले लिया है 100 ग्राम का, तो ये 2 कप मैदा और साथ में 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर और 1 चम्मच कोकोआ पाउडर। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर से भी केक बन सकता है और जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक जरूर देखिएगा। 2 चम्मच मिल्क पाउडर और कुछ ड्रॉप्स मैंने वेनिला एसेंस के ऐड कर दिए। यहाँ पर हम मिल्क पाउडर ऐड करके बैटर बनाएंगे, मिल्क ऐड करने वाले नहीं हैं। इस तरह से बनी केक का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छे से मिक्स करके फिर ज़रूरत के हिसाब से हम वार्म वाटर यानी हल्का सा गर्म पानी ऐड करके हम बैटर बनाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है तो फिर दूध की ज़रूरत नहीं है। और ये पानी से जब आप बैटर बनाते हो तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए, लगभग 1/4 कप जितना पानी लगेगा। फिर आपका मैदे की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। ग्रीस किए हुए पैन में हम बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से कंसिस्टेंसी वो बैटर की, तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही टेस्टी केक बनता है ये। ना मिल्क मेड की ज़रूरत, ना बटर की ज़रूरत। थोड़ा सा टेप करके इसको हम बेक करेंगे। मैं यहाँ पर माइक्रोवेव में बेक कर रही हूँ, आप चाहो तो गैस पर भी बेक कर सकते हो। और उसकी मेथड भी मेरे चैनल पर है, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करिएगा। लगभग 25 मिनट के बाद ये केक रेडी है। मैंने ऊपर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी किया क्योंकि मैं यहाँ पर आइसिंग करने वाली नहीं हूँ, ऐसे ही हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपको आइसिंग करना है तो आप थोड़ा सा कम बेक करें। देख सकते हो कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। तो ये ना आइसिंग की ज़रूरत और ना कोई डेकोरेशन की ज़रूरत, इससे भी बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही रेसिपी के साथ।